हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एक ऐसा क्वेश्चन जो लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसे समझने में। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, एक अटैम्प्ट छोड़कर अगले अटैम्प्ट में ये क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा। क्लियर है? इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे आपको डाउट्स होने वाले हैं, बहुत सारे आपको कन्फ्यूजन होने वाले हैं, तो मैं वो सारे कन्फ्यूजन्स, वो सारे डाउट आपके लिए क्लियर करूंगा। तो आते हैं अपने वीडियो पे। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आज हम इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और क्या होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्योंकि अगर आपको वो कंडीशन समझ आ जाए कि पॉजिटिव कहाँ लगेगी और नॉर्मेटिव कहाँ लगेगी, तो आप कुछ तो लिख ही दोगे। क्लियर है? देखो, एग्जाम्पल हम लेते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में सभी को नॉर्मल नॉलेज तो होती है। मैं कह रहा हूँ कि दो टीम आपस में क्रिकेट खेल रही है, ठीक, दो टीम क्रिकेट खेली, रिजल्ट आया, या तो जीतेगी या तो हार जाएगी। आपको जो भी आपका रिजल्ट मिला, आपने उस रिजल्ट को एक्सेप्ट किया। अगर आप जीते हो तो आपने एक्सेप्ट किया, हारे हो तो आपने एक्सेप्ट किया। अगर आपने अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट किया तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आपने अपने रिजल्ट के ऊपर एक शब्द नहीं कहा कि मैं ऐसे इस वजह से हार गया या मैं इस वजह से जीत गया। आपने कोई कंडीशन नहीं रखी, आपको रिजल्ट मिला, आपने अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट किया और बात खत्म हो गई। उसे हम कहते हैं पॉजिटिव, जब आप अपने रिजल्ट को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन जब आप हार गए, हारने के बाद जो न्यूज़ चैनल पर डिबेट होती है, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स आते हैं, वो जो बताते हैं कि गलतियाँ कहाँ पर हुई, आगे उन्हें क्या क्या करना चाहिए, आगे के मैच के लिए वो बताते हैं कि इन प्लेयर को अंदर लिया जाए, इनको बाहर निकाला जाए, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, बॉलिंग ऑर्डर क्या होगा, तो वो बहुत सारी चीज़ बताते हैं। जब अपने रिजल्ट को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद वो उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं और बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर वो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आगे जो रिज़ल्ट होगा वो बेहतर होगा। लेकिन वो इस बात की गारंटी तो नहीं देते, वो खाली ये कहते हैं कि अगर हमारी बात मानी जाए तो आगे का रिजल्ट जो होगा वो बेहतर होगा। वो ये कह सकते हैं लेकिन वो इस बात की गारंटी तो नहीं देते कि बेहतर ही होगा। समझ आए आपको ये चीज़? जब आप ऐसी बात करते हो तो ये होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब आप खुद सोचो, पॉजिटिव क्या था? जहाँ पे आपको रिजल्ट मिला, आपने अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट किया। नॉर्मेटिव क्या है? जहाँ आपको रिजल्ट मिला, आपने रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और आप फ्यूचर के लिए अपनी तैयारी कर रहे हो ये सोचकर कि आगे का रिजल्ट बेहतर होगा, लेकिन गारंटी नहीं है। मैं आपसे दूसरी बात बोलूं कि अगर मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव के बारे में, जहाँ मैंने अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया, वहाँ मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पास रिजल्ट है, तो आप बोलोगे हाँ है, या तो आप जीते या तो हारे। लेकिन जहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम प्लानिंग करेंगे आगे के लिए, ऐसा कुछ करेंगे, बेहतर खेलेंगे तो हमारा रिजल्ट बेहतर आएगा, तो आपको पता है क्या, क्या आपको 100% एश्योरेंस है कि आपका रिजल्ट बेहतर ही आएगा, आप जीतोगे ही? आप बोल सकते हो नहीं, ये बात की गारंटी तो नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट तो नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव में, क्या आपने अपने रिजल्ट के ऊपर एनालाइज किया? तो नहीं किया, हमने अपने रिजल्ट को डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉर्मेटिव की, क्या आपने वह एनालाइज किया? तो हमने किया, एनालाइज किया और फ्यूचर की तैयारी की। ये है नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन जनरल। अब मैं इसे इकोनॉमिक्स के ऊपर लेके आता हूँ, अब आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, तो ध्यान से देखिए इसका क्या होता है डेफिनेशन। हम बोलते हैं इट डील्स विद थिंग एज दे आर इन गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहना चाह रहा है कि ये ऐसे चीज़ों से डील करता है जो जैसे दे दी गई है एक सर्कमस्टेंसेस के अंदर। मैंने कहा कि आप जीत गए, बस वो दे दी गई है, आप जीत गए, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, सीधा आपको आपका रिजल्ट दे दिया गया, हमने भी एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर है? जबकि हमने देखा नॉर्मेटिव क्या है, नॉर्मेटिव फ्यूचर की तैयारी करता है,
लेकिन आपके पास आपका रिजल्ट नहीं होता, हम उसे ऐसे मानते ही नहीं है जैसे दे दी जाती है, हम तैयारी करते हैं जीत की। तो इसे हम बोल सकते हैं ऐसे, इट डील्स विद थिंग्स वाट शुड बी, क्या हो सकता है फ्यूचर में, वाट शुड बी इन गिवन सेट ऑफ सरकमस्टांसेस। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि क्या हो सकता है फ्यूचर में एक सरकमस्टांसेस के अंदर, अगर मैं मैच खेल रहा हूँ तो अगले मैच में क्या हो सकता है, जीतूंगा कि हारूंगा, इसकी बात की जाती है, तो वो होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर है? सेकंड पॉइंट देखो, हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं, बस उन्हें खाली लिखना बाकी है। सेकंड पॉइंट है कि पॉजिटिव में हमारे पास हमारा रिजल्ट होता है, मतलब कि इट हैज ऑल फैक्ट, यहाँ पे आपके पास फैक्ट्स पूरे होते हैं। क्लियर है? क्योंकि आपके पास आपका रिजल्ट है। लेकिन मैं यहाँ बोलूँ यहाँ मेरे पास फैक्ट्स नहीं होता, नो फैक्ट्स, यहाँ पे आपके पास फैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि गारंटी ही नहीं है कि जीतोगे या हारोगे, आपके पास आपका रिजल्ट है ही नहीं। तीसरे की बात करें, यहाँ मैंने अपना रिजल्ट एक्सेप्ट कर लिया, एनालाइज किया नहीं, प्लानिंग की नहीं, तो हम यहाँ कहते हैं नो वैल्यू जजमेंट। यहाँ पे वैल्यू जजमेंट नहीं होती क्योंकि हम आगे की प्लानिंग करते ही नहीं है, रिजल्ट आता है हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उसे अपना लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम नहीं मानते हैं और फिर वैल्यू जजमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं उस चीज़ों को, तो हम बोलते हैं देयर आर वैल्यू जजमेंट। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट है इसकी एग्जाम्पल। अब आप देखो, हमने जो एग्जाम्पल लिया वो एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स का तो नहीं है, वो एक जनरल एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। लेकिन आप क्या लिखोगे एग्जाम्पल, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इन्फ्लेशन रेट इज 10%। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10%, इसको अच्छे से लिख देते हैं, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10%, ठीक लगेगा दिखने में, मतलब इसको मिटाओ यहाँ से। तो यहाँ आपका एग्जाम्पल क्या बना, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10%। मैंने कहा कि इन्फ्लेशन का रेट 10% है, आपने कहा ठीक है, आपने पूछा नहीं क्यों, कैसे, ये ज़्यादा है, कम करना होगा, ज़्यादा करना होगा, आपने कुछ नहीं पूछा, आपने कहा, मैंने कहा कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10%, आपने कहा ठीक है, मैंने जो भी आपको चीज़ दी, जी क्या है, एज दे आर इन द गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, जो भी चीज़ आपको दी दी गई आपने उस चीज़ों को उस सर्कमस्टांसेस में वैसे ही मान लिया। मैंने कहा द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10%, आपने ये मान लिया द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10%। अब आप ये पॉइंट को, एग्जाम्पल को इस पॉइंट के साथ मिला सकते हो, इट डील विद थिंग एज दे आर इन द गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, आपने भी इसे वैसे ही डील किया जैसे मैंने आपको ये दे दी थी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं आपको जो चीज़ दूंगा उस पर आप एनालाइज करोगे, क्योंकि लिखा हुआ है डील विद थिंग व्हाट शुड बी इन द गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। तो अगर मैंने आपसे कहा द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10%, तो अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे या तो ये ज़्यादा है तो कम है। क्लियर है? तो यहाँ पे एग्जांपल होगा आपके लिए, द इन्फ्लेशन रेट शुड कंट्रोल्ड वेरी सून। अब आप खुद सोचो, अगर जिस ज़्यादा रेट है, मैं कह रहा हूँ कि कंट्रोल करना है, मान लो कम करना है, तो अगर आप कह रहे हो कि रेट को कम किया जाएगा, तो क्या आपको पता है कम मतलब कितना, कितना कम, कहाँ तक, कब तक, कितने टाइम में, ये तो आपको नहीं पता। लेकिन आप ये कह रहे हो कि कम करना है, तो यहाँ पे जब आप एनालाइज कर रहे हो तो आपके पास आपका फैक्ट्स नहीं ना होगा, क्योंकि आप इस बात की गारंटी नहीं दे पाओगे कि आप कम कर पाओगे या होगा तो कितना होगा, इस बात की गारंटी नहीं होती। तो वही हम कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास जजमेंट तो है, हम ये तो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन कितना करना पड़ेगा ये हमें नहीं पता, मतलब हमारे पास फैक्ट्स तो नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10%। आपके पास आपका फैक्ट तो है, लेकिन क्या आपने इसके ऊपर एक भी डिसीजन लिया? ज़्यादा है, कम है, क्या करना है क्या नहीं करना है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब आपके पास वैल्यू जजमेंट नहीं है, जबकि दूसरी तरफ आपके पास होता है वैल्यू जजमेंट। यही पूरी डिफरेंस है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का दिखता है। ये या तो 4 मार्क्स का आएगा, नहीं तो ये MCQ फॉर्म में आपको दिखेंगे। दो ही टाइप में ये क्वेश्चन आते हैं बस, इससे ना ही ये 1-2 में आएंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादातर 4 मार्क्स के और MCQ में आते हैं। कभी कभार होता है कि आपसे डिफाइन पूछा जाता है पॉजिटिव का, नॉर्मेटिव का 1 मार्क्स के लिए। तो आपसे ज़्यादातर फुल प्लेज क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड MCQ फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो, अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैं बना रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको सारे नोट्स वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ मैं आपसे MCQ पूछते रहता हूँ, इससे आपकी MCQ की तैयारी भी होती रहेगी। उसके बाद वहाँ पे आपको PPT, चार्ट्स और बहुत सारे PDF के फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप उस चैनल को ज्वाइन करते हो तो ये बहुत बेनिफिशियल है, और आप अपने दोस्तों से कह सकते हो उस चैनल को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जहाँ पर आप चीज़ों को पढ़ सकते हो। क्लियर है? इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी वीडियो अपलोड होने वाली है लाइन बाय लाइन, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो लॉकडाउन में। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे हैं तो बेल आइकन को दबाएँ, उसकी नोटिफिकेशन ऑल पर लेके जाएँ, जिससे आपको मिलेगी मेरे वीडियो की रेगुलर अपडेट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।